हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 एसएसटी की फर्स्ट क्लास, इट मींस फर्स्ट वीडियो में हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। क्लास 7 एसएसटी की क्लास में सेकंड क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट, इट मींस स्टेट गवर्नमेंट का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक कंटिन्यू था कि थ्री रीडिंग्स, क्योंकि कोई भी बिल पास होता है तो थ्री स्टेजेस के बेस पे पास होता है। थ्री स्टेजेस को हम क्या कहते हैं? थ्री रीडिंग्स कहते हैं। द फर्स्ट रीडिंग, इट मींस फर्स्ट स्टेज में मनी बिल क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है। इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, इट मीन्स मनी बिल का इंट्रोडक्शन होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? द सेकेंड रीडिंग कंसिस्ट ऑफ द जर्नल डिस्कशन ऑन द प्रपोज बिल, इट मीन्स जब मनी बिल का इंट्रोडक्शन हो गया उसके सभी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पर डिस्कशन करना है। तो जो डिस्कशन होने का प्रोसेस होता है वो सेकेंड स्टेज में होता है। द सेकेंड रीडिंग कंसिस्ट ऑफ ए जर्नल डिस्कशन ऑफ द प्रपोज एंड बिल। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल इन विच मेनली वोटिंग ऑन द बिल्स टेक प्लेस। अब स्टूडेंट्स, बिल को पास करना है। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? बिल का इंट्रोडक्शन हुआ। सेकंड स्टेज में बिल पे डिस्कशन हुआ। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि बिल पे वोटिंग सिस्टम हुआ कि मनी की बिल को, ऑर्डिनरी बिल को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल इन विच मेनली वोटिंग ऑन द बिल टेक्स प्लेस इफ इट इज ए पास्ड देन द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली साइन इट सेंड्स इट टू द विधान परिषद फॉर द फर्दर प्रोसीजर। इट मीन्स स्टूडेंट, सबसे पहले मनी बिल पे डिस्कशन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद मनी बिल पे वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हेड होता है, जिसे हम कहते हैं स्पीकर, स्पीकर के साइन होते हैं। जब उस बिल पे, ऑर्डिनरी बिल पे डिस्कशन कर रहे हैं, ऑर्डिनरी बिल पे स्पीकर के साइन होते हैं, तो वो बिल जाता है विधान परिषद, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। अब ये हो गया हमारा बिल का, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, टू काइंड्स के बिल होते हैं जो टीचर ने सुमन को आंसर दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे, अब है मनी बिल। मनी बिल देखो स्टूडेंट्स, कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो तो किसी भी हाउस में जा सकता है, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जा सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जा सकता है, इट मीन्स विधानसभा में भी जा सकता है और विधान परिषद में भी जा सकता है। लेकिन मनी बिल सबसे फर्स्टली विधानसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इट मींस लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोड्यूस होने का मतलब है प्रेजेंट होता है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। तो सबसे फर्स्टली हम स्टडी करते हैं, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस और ओरिजिनेटेड ओनली इन द विधानसभा बाय ए मिनिस्टर। मिनिस्टर, इट मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर, मनी बिल को सबसे पहले प्रेजेंट करता है विधानसभा में, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, विद द गवर्नर प्रायर कंसेंट ऑफ द गवर्नर। इट मीन्स प्रायर मतलब सबसे पहले, प्रेफरेंस, कंसेंट मतलब होता है सहमति, लेकिन गवर्नर की सहमति होना जरूरी है। इट मीन्स सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो कंट्री लेवल पे प्रेसिडेंट का वर्क होता है, स्टेट लेवल पे गवर्नर का होता है। इट मीन्स कंट्री लेवल पे जो प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है वो स्टेट लेवल पे गवर्नर की होती है। तो इट मीन्स जब किसी भी बिल को, इट मीन्स मनी बिल को, जब विधानसभा, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करने से पहले गवर्नर की प्रायर कंसेंट लेता है, इट मीन्स सबसे पहले सहमति लेता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, द मनी बिल इज फर्स्ट पास्ड इन द विधानसभा। सबसे पहले मनी बिल पास किया जाता है विधानसभा में, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया जाता है। इज देन सेंड टू द विधान परिषद, बाद में विधान परिषद में सेंड किया जाता है, इट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंड किया जाता है। द विधान परिषद मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज। लेकिन विधान परिषद, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, 14 डेज के अंदर अंदर उसे बिल को वापस विधानसभा को भेजना पड़ता है, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजना पड़ता है। इफ इट फेल्स टू डू सो विद इन द टाइम ऑफ द 14 डेज, अगर मान लो कि 14 डेज के ड्यूरेशन में नहीं भेज पाई है विधान परिषद, इट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा को, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली को, द मनी बिल इज सेट टू बी द पास्ड एंड द सेंड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट। असेंट इट मीन्स सहमति, ठीक है, एग्रीनेस।
तो फिर मनी बिल कहाँ जाता है, मनी बिल को पास मान लिया जाता है और कहाँ भेजते हैं, गवर्नर के पास। इट मीन्स मनी बिल को अगर विधानसभा में प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले मनी बिल के से रिलेटेड गवर्नर का कंसेंट लेना ज़रूरी है, जो लेता है फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर मनी बिल पास हो जाता है तो पास होने के बाद भी बिल पे साइन होने किसके ज़रूरी हैं, गवर्नर के साइन होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल एंड द अकाउंटेबल टू द विधानसभा, द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद कैन ओनली आस्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जो अकाउंटेबल और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट मींस जो प्राइम मिनिस्टर स्टेट कंट्री लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है। इट मींस जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिनमें जैसे कि हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर वगैरह ये सारे हैं, तो इन सबकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो पूरी तरह से अकाउंटेबल होते हैं विधानसभा के लिए। अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना विधानसभा के लिए। अब है विधानसभा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विधान परिषद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ सकती है किसी भी बिल से रिलेटेड। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल प्रेजेंट किया विधानसभा में, तो विधानसभा के मेंबर्स और विधान परिषद के मेंबर्स फाइनेंस मिनिस्टर से उस मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व करने का मतलब है सारे मिनिस्टर को रिजाइन करवाना है, तो ये रेजिग्नेशन का काम कौन करता है, केवल और केवल विधानसभा कर सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, विधान परिषद नहीं कर सकती, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं कर सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, हु कैन इलेक्टेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे फर्स्टली है, नीड्स टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव हिज एंड हर नेम ऑन द वोटर लिस्ट ऑफ द स्टेट, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होना है। फिर है जो ही शुड बी ए बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 ईयर्स के नीचे का होना चाहिए, मतलब बिलो होना चाहिए, बीनीथ होना चाहिए। शुड बी ए मेंटली साउंड, नॉट टू बैंक्रप्ट, पागल नहीं होना चाहिए, इट मीन्स मेंटली रिटायर्ड नहीं होना चाहिए, बैंक्रप्ट नहीं होना चाहिए, इट मीन्स उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, इन देयर एनी लिमिट फॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होने चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होने चाहिए। ये है यश क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर से, फिर टीचर आंसर दे रही है स्टूडेंट्स, यश क्वेश्चन पूछ रहा है और टीचर उसका आंसर दे रही है। यस द कॉन्स्टिट्यूशन has set an upper and the lower unit for the number of seats in the legislative assembly. It means Vidhan Sabha legislative assembly ko lower house kiya gaya hai, lower house kaha gaya hai, aur legislative council ko upper house kiya gaya hai. इन दोनों houses में ही एक limitation दे रखी है constitution में। limitation किस तरीके की दे रखी है कि कितने member होने चाहिए। तो सबसे पहले है its total number of member can't exceed मतलब होता है ज़्यादा, more than, मतलब 500 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 660 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, हु लीड्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को लीड कौन करता है, एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एंड द असेंबली, असेंबली का ड्यूरेशन क्या होता है, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन क्या होता है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एन असेंबली। द नॉर्मल टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द 5 ईयर्स, इट मीन्स 5 ईयर का टेन्योर होता है, 5 ईयर का ड्यूरेशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हमने अपने सेकंड वीडियो में क्लास 7 SST के सेकंड वीडियो में लेसन 4 जो सिविक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट का सेकंड पार्ट स्टडी किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट लेसन 4 क्लास 7 SST।